हेलो दोस्तों, तो होप सो आप सभी लोग अच्छे हो। तो आज मैं एक मूवी रिव्यू करने वाला हूँ जिसका नाम है नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट। ये 2020 की फिल्म है और इसे डायरेक्ट किया है बार्तोस एम कोसाकी ने। ये नेटफ्लिक्स इंडिया पे रिलीज़ हुई थी 28 अक्टूबर को और ये पोलैंड की फिल्म है, मतलब आप पोलिश लैंग्वेज में आपको देखना पड़ेगा सब टाइटल के साथ। तो ये हिंदी तो नहीं, मतलब इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। कास्ट का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्योंकि सबके नाम काफ़ी अजीब से हैं और चूँकि ये पोलैंड के फिल्म है तो वहाँ भी नाम थोड़े अजीब से होते हैं, तो मैं दे दूंगा। तो ये बढ़ते हैं मेन कहानी की तरफ। तो ये स्टोरी है जो 5-6 बच्चों के अराउंडिंग घूमते रहते हैं, जो मतलब टीनेजर्स हैं जो अभी हाई स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और ये मतलब काफ़ी एडिक्टेड है, मतलब सोशल मीडिया, गेमिंग, एक्सबॉक्स जैसे PS4 हो गया, PS3 हो गया, इन सबसे मतलब काफ़ी इंगेज रहती है। दिन भर सारा दिन उसी में लगे रहते हैं और ये बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटे रहते हैं। और ये कैंप में जाते हैं जहाँ इनकी जो भी डिवाइसेस होते हैं, फ़ोन, मोबाइल्स हो गए, फिर गेमिंग कंसोल हो गए, वो सब उनको रख दिए जाते हैं और इनके अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं। हर ग्रुप में 5-6 लोग होते हैं। शुरुआत में तो 1-2 दिन मतलब काफ़ी इनको अच्छा लगता है, काफ़ी इंजॉय करते हैं ये लोग, लेकिन धीरे धीरे रात को उनको पता चलता है कि इनका एक दोस्त अचानक से गायब हो चुका है और उनकी जो कैंप हेड होती है, जो बॉस होती है, वो पता लगाते रात के एक घर पे पहुंच जाती है जहाँ देखती है कि उसका दोस्त मतलब मर चुका है और उसके बॉडी के मतलब अलग अलग पार्ट्स हो चुके हैं, मतलब फाड़ चीर फाड़ कर दिया गया है। और ये लोग वहाँ से भागने ही वाले होते हैं तो एक मोटा लंबा सा आदमी उसके पीछे लग जाता है जो कि उन सबको मार रहा था, और वो मोटा आदमी ऐसे करते करते ये 2-3 दोस्तों को भी मार देता है। धीरे धीरे पता चलता है, एक बुढ़ा उन्हें बताता है, ये लोग हेल्प के लिए उसके पास जाते हैं तो पता चलता है कि ये मतलब ये मोटा आदमी मतलब जो नरभक्षी इंसानों को खाता है वो अकेला नहीं है, वो दो है, मतलब ये दो भाई हैं और ये उसी घर में रहते हैं। वो बताता है कि बहुत पहले जब ये छोटे बच्चे थे तो स्पेस से कुछ एक पत्थर सा गया था, मेट्रॉयड टाइप, तो वो धीरे धीरे वो बच्चे मतलब उसमें कुछ अजीब सा रिएक्शन होने लगा और ये लोग ऐसे बन गए। उनकी माँ ने उन्हों घर के नीचे उन्हें बेसमेंट में बंद कर दिया और उस जो गेट होता है, जो दरवाज़ा वो होता था, उसे चेन से काफ़ी अच्छे से लॉक कर दिया था। और धीरे धीरे पता चला कि कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने माँ को ही मतलब गायब कर दिया, माँ को गायब कर दिया इन द सेंस कि मतलब हो सकता है उन्होंने अपने माँ को ही खा लिया और ऐसे ही वो लोग इंसानों को मारकर काफ़ी लंबे टाइम से ऐसे ज़िंदा हैं। और ये लोगों को खून का मतलब खून मांस का बल अलग ही मतलब टेस्ट है उनका, उनका वही मतलब रेगुलर खाना यही है, इंसानों को मार कर ही खाते हैं। और लास्ट में बस एक लड़की बच जाती है, वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ भागती है, उनमें से एक को वो मार देती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो दूसरा नहीं है क्योंकि उसे पता नहीं था, जिसे पता था वो लोग अलग रहते हैं लेकिन उनसे भी ये मोटू आदमी मार देता है और वो दूसरा वाला बाहर रहता है, पहले वाले को ये मार देती है बेड पर। और वो भागते भागते पहुंचती है एक पुलिस वाले के पास जो उसकी मदद करता है, लेकिन मोटू वहाँ भी पहुंच जाता है नाटक करते हुए, वो सड़क पर लेट जाता है। पुलिस वाले को लगता है कि वो मतलब मरा हुआ आदमी हेल्प करता है, लेकिन उसे पलटकर उसका गर्दन काटकर मार देता है। ये लड़की उस पर गाड़ी चढ़ाकर 2-3 बार गाड़ी चढ़ाकर वो भागती है, तब जाकर वो मरता है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म के बिल्कुल एंड में दो लोग बेवड़े लोग पी रखते हैं बुरी तरह, रात के अंधेरे में रोड पे सन्नाटे में जाते रहते होते हैं, वो लोगों को लगता है कि ये मोटो आदमी शायद गिरा पड़ा हुआ है तो इसे कुछ हेल्प की ज़रूरत होगी, वो हेल्प करता है लेकिन उसे वो अटैक करता है, जिसका मतलब ये था कि वो मोटो आदमी जो है वो मरा नहीं था, वो ज़िंदा था। इसे देख मतलब वो घर वाला भी ज़िंदा हो जाता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे। और इसे देख कर यही लगता है कि सेकेंड पार्ट आने के चांसेस हैं, कुछ कह तो नहीं सकता लेकिन स्टोरी ऐसे छोड़ी गई है कि ये लोग मरे नहीं हैं, ये लोग वापस जीवित हो चुके हैं। तो ओवरऑल अभी नेगेटिव पॉजिटिव पे चलते हैं। नेगेटिव तो अभी देखो थोड़ा रनिंग टाइम को लेकर थोड़ा कम है, स्टोरी बैकग्राउंड जो भी स्टोरीज है ये सब थोड़ी कम है और अच्छा हो सकता था। पॉजिटिव में है कि ये भी दिखाया गया है कि मतलब आजकल के जो जनरेशन है कैसे मोबाइल फ़ोन सोशल मीडिया सबसे काफ़ी एडिक्टेड हो चुके हैं, वो बाहरी दुनिया को बिल्कुल ही भूल चुके हैं, जो कि ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको मतलब थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, दोस्तों से मेल मिलाप रिलेट्स हो गए, बाहर की दुनिया को भी जानना चाहिए, किताबों को भी पढ़ना चाहिए। तो
तो ये सब रहे, वन टाइम वॉच है। हाँ, बैकग्राउंड स्कोर, म्यूज़िक, ये सब ठीक ठाक है। सस्पेंस थ्रिल थोड़ी बहुत है, और रहनी चाहिए थी, लेकिन अभी एवरेज ही है। तो एक बार देख सकते हो आप, थोड़ा रिफ्रेश मूड करने के लिए। कल जितनी ख़राब नहीं है, ठीक है। तो अभी रेटिंग रहे तो रेटिंग मैं दूंगा इसे 10 में से 5। मेरे हिसाब से 5 के लायक ठीक है, एक टाइम ही है, ठीक है। तो ये थी रिव्यू नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट 2020 की। तो मिलते हैं फिर आने वाले दिनों में कुछ नए फिल्म वेब सीरीज़ के रिव्यू को लेकर। अभी 2-3 और भी रिलीज हुए, जैसे मिस इंडिया नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे भी कुछ कुछ आए हैं, तो मैं देख कर आपको बताता हूँ। और शायद Zee5 पे भी कुछ कुछ फिल्म्स आई हैं, रिलीज़ हुई हैं, तो उनका भी मैं जल्द से जल्द रिव्यू करूँगा। अभी लिस्ट बना रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर, अपना ध्यान रखें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।